टेट सी टेट के लिए साइंस की नेक्स्ट वीडियो है। क्वेश्चन है सूक्ष्म बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सूक्ष्म बर्फ को कृत्रिम वर्षा यानी मेघ विजन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। मेघ विजन हेतु यानी कृत्रिम वर्षा करने के लिए शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो नीले रंग की एक गैस होती है जिससे जल्दी ही बहुत शीघ्र दम घुट जाता है यानी गला घुट जाता है। जीवाश्म पशुओं और पौधों के कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि चट्टानों में संरक्षित रहते हैं। जो जीवाश्म होते हैं पशुओं के पौधों के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें जो चट्टानों में संरक्षित रहते हैं। कार्बन 12 को के परमाणु भार के मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है यानी कार्बन 12 को परमाणु भार के मानक यानी स्टैंडर्ड वैल्यू के रूप में प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 यानी कार्बन 14 का उपयोग रेडियोएक्टिव रेखक या ट्रेसर्स तथा कार्बन डेंटिंग में प्रयोग किया जाता है। रेडियोएक्टिव रेखक में और कार्बन डेंटिंग के में प्रयोग किया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं और प्राकृतिक अवस्था में मिलते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के शुद्ध रूप होते हैं और कैलाशीय होते हैं। कोक अकैलाशीय कार्बन का एक रूप है और इसका उपयोग धूम्रहीन ईंधन तथा जल गैस बनाने में किया जाता है। कोक और कोल तार कोयले के भंजन अश्वन से उत्पन्न होते हैं। कोल तार के विभंजन अश्वन से एसफास्टक पिच और क्रोयोजोट जोकी तथा काष्ठ संरक्षक हैं वे बनाए जाते हैं। चमकदार कोयले जैसे एंथ्रेसाइट्स जिसे एंथ्रेसाइट कहते हैं को घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो चमकदार कोयले होते हैं या एंथ्रेसाइट्स होते हैं उन्हें घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं जो भट्टियों वगैरह में जलाए जाते हैं। हीरा अब तक जाना जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ है यानी कि हीरा अभी तक जितने भी पदार्थ पाए गए हैं उनमें से सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। हीरे की मोज कठोरता 10 है और अपवर्तनांक 2.4 होता है यानी कि हीरे का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक यानी 2.4 होता है और इसकी कठोरता 10 मानी जाती है। एंथ्रेसाइट कार्बन को विद्युत भट्टी में वायु की अनुपस्थिति में 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाने पर संश्लिष्ट ग्रेफाइट बनता है। कार्बन वेलक एक बारीक कार्बन पाउडर होता है जो हाइड्रोकार्बन को अपर्याप्त वायु में जलाने से प्राप्त होता है। इसे रंजक एवं फिल्टर जैसे कि रबड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण हरित पादपों में होने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण पौधों के भोजन बनाने में सहायक होती है, सहायक होने वाली क्रिया है। इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। द्रव की वाष्प में और पुनः द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आश्वन कहते हैं। द्रव की वाष्प में और पुनः द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया को आश्वन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कार्बनिक यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक। मीथेन या एल्केन सरल हाइड्रोकार्बन है। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मीथेन को कोयला खानों में विस्फोट खनी गैस या फायर डैम्प और पंक गैस भी कहते हैं। पेट्रोलियम और कोयला जीवाश्म ईंधन हैं। मिट्टी का तेल पेट्रोल और डीजल प्रमुख द्रव ईंधन हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन को दाब डालकर द्रवीभूत किया जा सकता है तथा सिलेंडरों में भरकर घरेलू गैस के रूप में उपयोग किया जाता है यानी कि वो गैस LPG कहलाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रोपेन और ब्यूटेन को द्रवीभूत दाब डालकर द्रवीभूत करना LPG बनता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।